देखिए गाइस, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं रेल कोच रेस्टोरेंट, और अंदर जो है एक ट्रेन के डिब्बे टाइप। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये मैंने थाली मंगाई है, और थाली में आप देख सकते हैं तीन तरह की सब्जी है, पनीर है, चावल है, एक मीठा भी है, सलाद है थोड़ी, और रायता। तो गाइस खाना देखिए आप, मेरा हो चुका है, एक थाली बुक की थी मैंने यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा नज़ारा रहा यहाँ का, और अंदर से भी व्यू भी काफ़ी अच्छा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं हूँ लखनऊ, नवाबों के शहर लखनऊ में, और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये है लखनऊ का रेलवे स्टेशन, जो कि कितना खूबसूरत लग रहा है नाइट में, और काफ़ी रंग बदलते हुए, और काफ़ी बड़ा स्टेशन है लखनऊ का ये, और खूबसूरत भी काफ़ी है। तो गाइस देखिए, शाम का समय है, रात 8:30-9 बजे के टाइम जो टाइम हो रहा है ये, तो इसमें जो है मैं अब यहाँ से, मेरी ट्रेन है 11:55 से रात को मुरादाबाद के लिए, तो बाकी लखनऊ वगैरह देवा शरीफ में हुआ है अब, तो मैं आपको जो है इसका नाइट भी दिखा देता हूँ। और इसके सामने जैसे ही आप गेट से बाहर निकलेंगे ना लखनऊ चारबाग स्टेशन से, तो आपको सामने ही रेल कोच रेस्टोरेंट मिलेगा, जो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। आप वहाँ पर जाकर फास्ट फूड वगैरह, चाइनीज़ वगैरह, या अपने लंच या डिनर वगैरह ले सकते हैं, सुबह को ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं, और मैं आपको जो है लखनऊ रेलवे स्टेशन का रात का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, कुछ इस तरह का व्यू है लखनऊ के रेलवे स्टेशन का, मतलब चारबाग, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन इसको बोलते हैं हम, और आपको मैं दिखा दूँ। तो देखिए काफ़ी लंबाई चौड़ाई है इसकी, और कितनी लंबाई भी देखिए आप फैला हुआ है, और आप इधर साइड में जाएंगे ना, इधर इधर साइड में, तो इधर लखनऊ जंक्शन का रेलवे स्टेशन है छोटा सा, और इसको बोलते हैं हम, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको बोलते हैं लखनऊ चारबाग स्टेशन। तो काफ़ी खूबसूरत व्यू रहता है इसका यहाँ का, और काफ़ी अच्छा रहता है। तो और जिसकी मैं बात कर रहा था रेस्टोरेंट की, तो जस्ट सामने ही आप ये देखिए रेल कोच रेस्टोरेंट, जो हाल ही में ही अभी ओपन हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसे ओपन हुए, और यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर भूख का समय है, रात का समय है, तो मुझे भूख लगी है, तो मैं यहाँ पर जो है डिनर वगैरह कर लेता हूँ, और यहाँ पर कितनी कॉस्ट में है, कैसे है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप फूडी ब्लॉगर हैं, या आपको जो है नेशन है फूड खाने की, अच्छी अच्छी जगह रेस्टोरेंट में जाने की अगर क्या कहते हैं इच्छा रहती है, तो आप अगर लखनऊ आते हैं तो यहाँ पर भी आप अपना जो है फूड वगैरह यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कि गाइस ये कुछ इस तरह से बना हुआ है रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं रेल कोच रेस्टोरेंट, और अंदर जो है एक ट्रेन के डिब्बे टाइप का ये जगह बना रखी है इन्होंने, जो यहाँ पर आप अपना डिनर वगैरह कर सकते हैं। और ये जो बाहर जो लगा हुआ समोसा पूड़ी वगैरह, ये बेस गम्बो थाली वगैरह, तो आप जो है यहाँ पर बैठकर बाहर अपने चाय वगैरह ले सकते हैं, बर्गर वगैरह ले सकते हैं, डोसा वगैरह ले सकते हैं। तो देखिए इनके खाने की सारी लिस्ट ये अब लगी हुई है यहाँ पे, और अंदर चलते हैं ट्रेन के अंदर, और वहाँ का अंदर का भी व्यू देख लेते हैं किस तरह का बना हुआ है। तो चलिए, फर्स्ट टाइम मैं किसी रेल कोच में, मतलब खाने रेल कोच रेस्टोरेंट में जाऊँगा खाना खाने के लिए, तो अंदर का व्यू मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ का इनका जो मेन्यू है ये इस तरीके से है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, चाइनीज़ है, और आप थाली मील्स में खा सकते हैं, अगर आप थाली खाने के शौकीन हैं तो आप थाली भी खा सकते हैं। तो देखिए वेज स्टैंडर्ड थाली 160 रुपये, फिर 190 रुपये, 260 रुपये, 220 रुपये, क्या क्या है इसमें, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और बाकी आप यहाँ आकर चेक कर सकते हैं। देखिए गाइस, लखनऊ के स्टेशन और रेल कोच रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करूँ, और यहाँ की लोकेशन और व्यू की बात करूँ, तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ का लग रहा है, आप देखे होंगे, ये देखिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ का। अगर आप यहाँ आते हैं तो रेल कोच रेस्टोरेंट में ज़रूर आएँ, बहुत ही शानदार व्यू जो है आप लोगों का यहाँ का। यह काउंटर, आप अगर नीचे कुछ सामान लेते हैं ना, इनमें से कोई भी आइटम लेते हैं, तो आपको पहले यहाँ से पर्ची कटानी पड़ेगी, फिर जाके आपको जो है पर्ची दिखाने के बाद ये आपको जो है आइटम दे देंगे, जो भी आपने यहाँ पर ऑर्डर किया होगा। और आप अगर अंदर चलते हैं रेल कोच के अंदर, और वहाँ पर अगर खाना डिनर वगैरह खाते हैं, तो उसका काउंटर अलग है, अंदर कोच के अंदर, और अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है। काफ़ी बाकी भी गाइस आप देख सकते हैं, कुछ ट्रेन की बोगी की तरह लग रहा है, ये देखिए हैंडल वगैरह भी बिल्कुल ट्रेन की तरह है। तो बाकी चलिए अंदर चलते हैं। अंदर एंट्री मैंने कर ली है, और व्यू भी काफ़ी अच्छा है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे,
काफ़ी शानदार व्यू है। तो मैं जो कोई स्पेशल थाली यहाँ पे बुक कर देता हूँ और उनके रेट वगैरह पता कर लेता हूँ कितने की थाली होती है, और आपको सारा ब्यूरा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का और काफ़ी सुंदर है। तो आप अगर लखनऊ आते हैं और स्टेशन से बाहर जैसे निकलते हैं तो आपको ये लखनऊ रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको मिल जाएगा रेल कोच रेस्टोरेंट। तो काफ़ी अच्छा व्यू है अंदर का, आप यहाँ का भी एक्सपीरियंस लेकर आगे अपनी जो भी जर्नी करना चाहते हैं वो अपने आगे। गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने थाली मंगाई है, और थाली में आप देख सकते हैं तीन तरह की सब्जी है, पनीर है, चावल है, एक मीठा भी है, सलाद है थोड़ी और रायता भी है, और इधर दो रोटी हैं बटर लगा के। तो ये थाली जो है 260 रुपये की है, बाहर जो रेट लिखा हुए थे थालियों के वो सारी कैंसिल कर दी इन्होंने, 260 रुपये की एक स्पेशल थाली रख रखी है इन्होंने। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये थाली भी आप अपने अकेले में मंगा सकते हैं सिंगल आदमी, और काफ़ी खाना है देखा जाए तो अकेले के लिए। तो खाना चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस अगर मैं यहाँ की थाली की बात करूँ तो 160-190 वाली थाली नहीं है ना 220 की है, एक यहाँ पर थाली है स्पेशल 260 रुपये की। और एक पर्सन अगर यहाँ पर खाने के लिए आता है तो उसके लिए काफ़ी है, 1 पर्सन के लिए बहुत है, बच भी सकती है। तो मेरे तो देखिए आप देख सकते हैं कुछ सब्ज़ी बच भी गई क्योंकि मैं इतना खाना खाता ही नहीं हूँ। और जो लास्ट में गुलाब जामुन मिला था तो वो भी बड़ी मुश्किल से खाया गया है। तो आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो उसमें 3 सब्ज़ियाँ हैं, 2 रोटी हैं, नान बटर लगा के, और कुछ चावल हैं, और रायता भी है, और सलाद वगैरह भी है, और मीठे में जो है गुलाब जामुन है। तो काफ़ी अच्छी थाली रही यहाँ की, और पेट भी मेरा मतलब है समझ लीजिए कि फुल हो गया। तो और स्वाद भी अच्छा था खाने का। अगर आप यहाँ लखनऊ आते हैं या लखनऊ स्टेशन से बाहर आते हैं तो आप यहाँ पर जो है सुबह को अगर करना चाहें तो ब्रेकफास्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं, सारी चीज़ अवेलेबल है। डिनर वगैरह लंच वगैरह अगर आप यहाँ करना चाहते हैं करिए, काफ़ी नाम है इनका और काफ़ी फेमस भी है लोग, आप यूट्यूब वगैरह पर भी देख सकते हैं। तो गाइस खाना देखिए आप, मेरा हो चुका है, एक थाली बुक की थी मैंने यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा नज़ारा रहा यहाँ का, और अंदर से भी व्यू भी काफ़ी अच्छा था। और थाली की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी मतलब मीडियम थी, स्वाद अच्छा था, और पनीर वगैरह था उसमें, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है लखनऊ चारबाग का रेलवे स्टेशन, और इसके सामने ये रेल कोच रेस्टोरेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर आप आते हैं लखनऊ तो यहाँ पर खाना वगैरह ज़रूर चेक करके जाएं, यहाँ पर नॉन वेज और वेज दोनों मिलते हैं, वो आपकी पसंद है कि आप क्या खाना चाहेंगे, दोनों यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।